एक गाने को कितनी बार सुनना चाहिए, यानी एक गाना अगर आपको सीखना है, उसे अप्रिशिएट करना है, क्रिटिसाइज करना है, कुछ भी अगर उस गाने के ऊपर आपके विचार आपको डालने हैं या उससे आपको कुछ सीखना लेना है, तो उसको कितनी बार सुनना चाहिए, आज उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे कुछ अपनी थ्योरीज हैं, कुछ साइकोलॉजिकल हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक थ्योरीज हैं, है ना, उस पर हम चर्चा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल नहीं है, मगर हाँ बहुत ज़रूरी बात है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम आंसुओं की तरह मुस्कुराने वाले थे, भला गमों से। जैसे कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं और उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, या फिर एक दाना देखकर हम पूरे उसका बोरी का हिसाब लगा सकते हैं कि उसमें अनाज कैसा होगा, या फिर इसी का ऑपोजिट जो लोग कहते हैं कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। तो कुछ ऐसी ही बातें हैं जो आज इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ। कोई भी एक गाना, 3 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का अगर छोटा सा गाना है, मुश्किल से उसके हम 10-15 सेकंड शुरुआत के सुनते हैं और उसे अपना रिव्यू दे देते हैं कि अरे बेकार गाना है, या अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना है, या ये क्या गाना है समझ ही नहीं आया, है ना, तुरंत हम ये रिव्यू दे देते हैं। एक मैं ये दोनों चीज़ों के लिए बता रहा हूँ, अप्रिसिएशन क्रिटिसिज्म के लिए भी और सीखने के लिए भी, वो गाना कितनी बार सुनना चाहिए उस पर ही चर्चा है ये, कि तुरंत हम अपना रिव्यू दे देते हैं कि यार ये तो गाना अच्छा है, बुरा है, कैसा है, मतलब थोड़ा सा ही देखकर, मतलब वही वाली बात है कि एक किताब का हमने कवर देखा और तुरंत हमने प्रेजुडिस बना लिया, हमने पहले से ही धारणा बना ली, इंसान को हमने उसके रूप, रंग, आकार, उसके कपड़े, उसके वस्त्र, उससे ही जाँच लिया, है ना, उससे ही एग्जामिन कर लिया, उससे ही हमने ये बोल दिया कि ऐसा व्यक्ति है ये, ठीक है। उसी तरह से हम एक गीत के साथ भी करते हैं, मुश्किल से एक बार भी नहीं सुनेंगे, आधा गाना सुन के कह देंगे यार ये तो बेकार है, तुरंत हम कह देते हैं। इवन हमारे वीडियोस के लिए भी है, मैं वीडियोस में जो बात बता रहा हूँ, जो मैंने टाइटल रखा है, जो थंबनेल रखा है और जो बात मैं उस वीडियो में बता रहा हूँ, मुश्किल से 30 सेकंड वीडियो देखेंगे और कमेंट में वही सवाल लिख देंगे, जैसे इस वीडियो पे मैंने टाइटल डाला ना कि एक गाना कितनी बार सुनना चाहिए, तुरंत 30 सेकंड के अंदर अंदर कमेंट में आ जाएगा, सर एक गाना कितनी बार सुनना चाहिए, तुरंत के तुरंत वही सवाल कर देंगे वीडियो बगैर देखे। तो यही हम एक गीत के साथ भी करते हैं। कोई भी चीज़ को यहाँ रजिस्टर होने के लिए या उसका एनालिसिस करने के लिए या उस पर कुछ टिप्पणी करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। कोई भी टॉपिक पर अगर आप बोल रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी के व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, तो रिसर्च लगती है। आप ऐसे ही नहीं बस देखा और बोल दिया, तुरंत बोलना शुरू कर दिया, या दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर आपने बोलना शुरू कर दिया। किसी मूवी का रिव्यू देना है तो आपने वो पिक्चर देखी भी नहीं, उससे पहले ही उसके बारे में सुन सुन के आपने तुरंत कह दिया कि हाँ ये तो ऐसी पिक्चर है। क्या आपने देखी है वो मूवी? नहीं। क्या आपने वो गाना सुना है? नहीं। ये तो एक छोटी सी बात हो गई जो डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर है, ये तो आप सभी जानते हैं, मैं कोई इसमें कोई नई बात नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन नई बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब हम एक गाने को सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं तब उसे कितनी बार सुनना चाहिए और सुनने से क्या फ़र्क पड़ता है। बट ऑफकोर्स जैसा कि मैंने बोला, सुनना ऑब्जर्वेशन का एक पार्ट है, आप ऑब्जर्व करते हैं उस चीज़ को, देखना, सुनना, सूंघना, ये हमारे सेंसेस है ना, इससे हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करके बाद वो चीज़ रजिस्टर होती है, यहाँ पर जहन में बसती है। जितनी बार, जितनी ज़्यादा बार आपने उस गाने को सुना है, उतनी ज़्यादा बार वो यहाँ रजिस्टर हुआ है और उतनी ही बारीकी से आप उसको फिर निभा पाएंगे। और जाहिर सी बात है, सिर्फ सुनना ऐसे नहीं कि बस चलते फिर तो सुन लिया, नहीं, ध्यान देकर सुनना। जब हम ध्यान देकर उस गाने को बार बार सुनते हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस को सुनते हैं, कोई सा भी आपने गीत लिया, उसको आपको तैयार करना है, तो ऐसा नहीं कि होल 5 मिनट का गाना है, बार बार उसी को सुने जा रहे हैं, बार बार उसी को सुने जा रहे हैं, वो एक प्रक्रिया है। वैसे आप सुनते हैं, फिर आपको जब वो गीत तैयार करना है तो आप छोटे छोटे फ्रेजेज में जाते हैं, है ना, कि ये स्टार्टिंग का ये एक लाइन का भी आधा पोर्शन, इसको आप बार बार सुन रहे हो, ओके, इस फिर इसको गाने की कोशिश कर रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपने साज पर, उसके बाद आप अगले पोर्शन में जा रहे हैं, उसके बाद आप पूरी लाइन एक साथ गा रहे हैं। यही किसी भी चीज़ को तैयार करने का प्रोसेस है। अगर आप कोई बंदिश गा रहे हैं, कोई अलंकार गा रहे हैं, कोई भी गीत गा रहे हैं, गज़ल, भजन, फिल्मी, कुछ भी गा रहे हैं, उसको तैयार करने का यही प्रोसेस है। तो एक गाने को हज़ारों बार आपको सुनना पड़ता है, तब जाके आपको उसकी बारीकियाँ समझ आती हैं। तो सीखने के लिए तो ये प्रोसेस है, उसके बाद उसके अप्रिसिएशन के लिए भी यही बात है। जब उस गीत को आप कई बार सुनते हैं ना, तब जाके लगता है। आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मैंने जब वो अतरंगी रे मूवी का गीत सुना, तुम्हें मोहब्बत है, सबसे पहली बार जब मैंने उस गीत को सुना मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार कुछ ज़्यादा वेरिएशंस नहीं हो गए, कुछ सिंप्लिसिटी होनी चाहिए थी गाने में थोड़ी सी, तो बहुत ज़्यादा फेरबदल हो गए, बहुत ज़्यादा सुर इधर के उधर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है 2 रागों का 3 रागों का ब्लेंड्स जा रहा है, तो मुझे बड़ा अजीब लगा पहली बार में वो गाना। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैं वो गाना सुनने लगा, मुझे उस गाने की लत लग गई, एक तरह से ऐसा होने लग गया मैं दिन में 10-10, 20-20 बार उस गीत को सुना ही लेता था थोड़ी थोड़ी देर में।
क्योंकि धीरे धीरे मुझे उसकी बारीकियां मालूम चलने लग गई, मुझे डिटेल्स दिखी, अरे वाह यार ये जगह कितनी प्यारी ली है, या ये जगह कितनी प्यारी ली है, अरे हाँ ये क्या ब्लेंड दिखाया, ये कॉम्पोजिशन से कितना रेलेवेंट है ये वाला ब्लेंड। तो इस तरह से फिर मुझे धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लग गई। यानी उसको धीरे धीरे जब हम और ज़्यादा बार सुनने और ज़्यादा बार देखने लगते हैं तो हमें उसकी बारीकियाँ नज़र आती हैं, और कमियाँ भी, खामियाँ भी, तो खूबियाँ भी सब नज़र आता है। अगर आपको ये लग रहा है उस गीत को बार बार सुनने से उसकी खूबियाँ नज़र आएगी, साथ ही साथ उसकी खामियाँ भी नज़र आएंगी। जब एक पिक्चर को हम 100 बार देख लेते हैं ना, तो उसमें कमियाँ बताते हैं कि ये वाले सीन में ये हुआ था, ये कॉन्टिन्यूटी एरर है, उसने ये वाले सीन में यहाँ ये शर्ट पहनी थी, यहाँ ये शर्ट पहन ली, या यहाँ पर वो देखो वो छोटी सी डिटेल मिसिंग है या वो मिसिंग है। तो ये कैसे करते हैं हम? बार बार उसको देखने से, बार बार ऑब्जर्व करने से। तो सीखना हो, अप्रिशिएट करना हो, क्रिटिसाइज करना हो, कुछ भी करना हो, एक चीज़ पर रिसर्च लगती है, उसका एनालिसिस करने के लिए वक्त लगता है। यानी उस गीत को अगर आप सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बहुत बार उस गीत को सुनना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ आती है। आप पहली बार में ही सुनते आप कह देंगे कि ये तो बेकार या ये अच्छा, वो नहीं होता है। फर्स्ट टाइम में रिव्यू नहीं देना कभी भी, उसको सुन लो, 4-5-6 बार सुन लो और अलग अलग मानसिक स्थिति में सुनो। ऐसा नहीं कि आज मेरा मूड अच्छा है तो मैंने सुना तो मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही, मूड ख़राब है तो सुना तो बेकार लग रही, ये नहीं होता है ना, ये प्रोसेस नहीं है। अब एक साइकोलॉजिकल थिंग होती है, ये चीज़ मैंने खास करके तब सीखी है जब से मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन में आया हूँ, गीतों को रिकॉर्ड करना, नया ट्रैक बनाना, नई धुन बनाना, इसमें जब से आया हूँ, या मिक्सिंग मास्टरिंग को समझना, इसमें जब से मैंने दिलचस्पी ली है, तब से मैंने एक चीज़ जानी है। जब हम एक गाने की मिक्सिंग कर रहे हैं, वॉल्यूम लेवल सेट कर रहे हैं कि इसका हारमोनियम इतना होना चाहिए, वोकल इतना होना चाहिए, या उसकी कंपोजिशन बना रहे हैं कि ये म्यूज़िक ऐसा बनना चाहिए वैसा बनना चाहिए, क्योंकि हम कॉन्टीन्यूसली उस पर काम कर रहे हैं, 6-7 घंटे लगातार उसको सुन रहे हैं, बार बार रोज़ाना उसी को सुन रहे हैं, हमें उसकी खामियाँ दिखना बंद हो जाती हैं। ये चीज़ भी होती है ना, कि हम बार बार उस चीज़ को सुनने लगते तो हमें अच्छी लगने लग जाती है। और यही चीज़ एक साइकोलॉजिकल एक चीज़ भी है, जैसे मेरे पिताजी के साथ भी होता था ये, कि भाई शादी पार्टियों में कहीं गए या कहीं से गुजरे तो एक गाना बज रहा है, जबकि वो गाना उन्हें नहीं पसंद, लेकिन हज़ारों बार वो गाना इतनी बार सुन लिया कि अब वो खुद वो गाना गुनगुना रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं यार ये क्या, ये गाना मैं कहाँ से गुनगुना रहा हूँ। हैं, एक दिन मैं अपने गुरुजी को देख रहा हूँ, दादा गुरुजी को, वो वाला गाना गुनगुना रहे हैं कि जग घूमिया थारे जैसा न कोई। मैंने कहा गुरुदेव आपने ये गाना कहाँ सुन लिया? तो बोले यार पता नहीं है मेरे दिमाग में कैसे घुस गया। इसे कहते हैं ईयर वॉर्म, है ना, अगर साइकोलॉजिकल टर्म में बात करें, ईयर वॉर्म यानी कान का कीड़ा बन गया है वो गाना आपका, है ना, कि वो बस गया, वो निकल नहीं रहा है, वो यहाँ धुन बज गई है ना। तो वो कैसे होता है, जब आप बहुत बार उस चीज़ को सुन लेते हैं तो वो इतनी तरह से, इस तरह से बस जाता है हमारे जहन में। हम सबके जहन में ऐसा कोई ना कोई गाना होगा, जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, आज मेरे यार की शादी है, हज़ारों करोड़ों बार हम उस गीत को सुन चुके हैं, तो वो बस चुका है हमारे अंदर, ठीक है। तो इस तरह से होता है, किसी भी चीज़ को बार 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 सुन लेने से, देख लेने से, ऑब्जर्व कर लेने से उसकी कमियाँ, खामियाँ, खूबियाँ सब समझ आ जाती हैं, बारीकियाँ सब दिख जाती हैं। अगर आप ध्यान से, थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा गौर अगर देंगे उसमें, थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ी नज़र बारीक रखेंगे, आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, सारी चीज़ें सुनाई देंगी, हर गीत तैयार हो सकता है। जो छोटी छोटी बारीकियां होती है ना किसी गीत में, कि यहाँ पे ये कण है, हम उसको बड़ा प्लेन ले रहे थे, या यहाँ पे एक हल्का सा कर्व है, या एक हल्का सा काकू प्रयोग है, यानी हल्का सा भाव दिया, वहाँ हंसी दी गई है, या वहाँ एक उदासी दी गई है, वो आपको पहली बार में नहीं समझ आती है। पहली बार में समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा शार्प चाहिए, है ना, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आपका जो अटेंशन है, वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, तब आप कोई भी चीज़ में पहली बार में पकड़ लेते हैं, हाँ इसमें ये चीज़ है, जो किसी एक आम इंसान को 10 बार सुनने, समझने, देखने के बाद उसको पता पड़ेगी, वो आपको पहली बार में अगर मालूम चल रही है तो इसका मतलब आपका दिमाग बहुत तेज़ है, इसका मतलब आपका रियाज हो रखा है, आपके दिमाग का बहुत अभ्यास हो रखा है, बहुत आपने शार्पन कर रखा है। तो उस स्टेज तक आने में टाइम लगता है जनाब, है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में किसी भी गाने को रिव्यू दे रहे हैं तो वो सही ही होगा, नहीं, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, उस गीत को हज़ारों बार सुनिए, तब जाके वो गीत आएगा, तब जाके हम उस गीत को समझ पाएंगे। कई बार हमें ये लगता है यार ये गाना तो बड़ा आसान है ना, एक बार में सुना हमको लगता है ये तो क्या सिंपल सा गाना है, पर ऐसा नहीं है, जब उसे गाने जाते हैं ना तब मालूम चलता है अरे यार इसमें इतनी बारीकियां थी क्या, इतनी डिफिकल्टीज थी क्या, इसका वॉइस थ्रो ऐसा था क्या, है ना। तो वो वाली बात है, करने की विद्या है संगीत, इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बातों की चर्चा का विषय नहीं है कि बस बातों बातों में हो गया, ऐसा नहीं होता है, करना पड़ता है, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक था जिस पर मैंने सोचा आप सभी से चर्चा करूं। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, लाइक कमेंट शेयर करें और ऑनलाइन क्लासेस जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सिर्फ वीडियोस देखने से लर्निंग नहीं होती है, एंटरटेनमेंट हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन विधिवत ढंग से अगर सीखना है, सिलेबस को फॉलो करके और अपने आप में कुछ इजाफा पाना है, तो आपको क्लास ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। शुक्रिया।